अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मनोहर, बहुत मौके मिल गए तुम्हें मुझसे बच के भागने के लिए, मगर अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। ये कौन सी शक्ति है जो मुझे अंदर जाने से रोक रही है? एक बार ये मेरा पापी गुड्डा तैयार हो जाए, फिर मनोहर का हाथ इस पे लगवा दूंगी, फिर वो इच्छाधारी नाग या नागिन उसके पास भटक भी नहीं पाएंगे और मेरे अद्दू का राज भी राज ही रह जाएगा। आ जाओ राज, रुको। राज, ये बंदूक लो और बाहर जाकर पहरा दो और किसी भी अंदर आने मत। मनोज साहब, आप ठीक तो है ना? वहां वो बूढ़ी औरत और उसकी अजीब सी दिखने वाली पूजा, और यहाँ आपके हाथ में बंदूक और डरे हुए। हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है मनोहर सर। तुम्हें पगार सवाल करने की मिलती है या यहाँ काम करने की? हाँ, ये लो बंदूक, पकड़ो पकड़ो और बाहर जाकर पहरा दो, और कोई भी इंसान पशु पक्षी अगर अंदर आने की कोशिश करे तो उसे वहीं गोली मार देना। चलो चलो। आदमी है या पजामा, जो दिखे मार देना। ना हमें ये इंसान पसंद है और ना इसके दिए हुए बेहुदे काम। बड़े मालिक का हुक्म ना होता ना तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं नहीं मर सकता, नहीं, मैं नहीं मर सकता, नहीं। राज, यहां ये औरत कौन है और ये यहां कर क्या रही है? प्रणाम गुरुदेव, आप यहां सब ठीक तो है ना? शिवानी, यहाँ एक बहुत बड़ा संकट तूफान बनकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, इसलिए मुझे स्वयं यहाँ आना पड़ा। संकट? हाँ शिवानी, अंदर एक बूढ़ी औरत बहुत ही शक्तिशाली तंत्र मंत्र कर रही है। उसकी तंत्र मंत्र साधना की शक्ति के कारण ही तुम अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही हो। लेकिन गुरुदेव, कौन है वो औरत? शिवानी, वो औरत कौन है ये तो मैं नहीं जानता, परंतु उसकी शक्ति का काट क्या है ये मैं तुम्हें अवश्य बता सकता हूँ। बताइए गुरुदेव, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। यहाँ से 10 कोस की दूरी पर उत्तर दिशा में एक ताम्र घाटी है, उस घाटी के पार एक गुफा है। उस गुफा में एक श्वेत महाशंख रखा हुआ है। उस महाशंख की ध्वनि से ही इस बूढ़ी औरत की शक्ति का मायाजाल तोड़ा जा सकता है। ये मायाजाल तोड़ने से मैं मनोहर तक पहुंच जाऊंगी ना गुरुदेव? हाँ शिवानी, ना केवल तुम मनोहर तक पहुंचोगी बल्कि उससे सब कुछ सत्य उगलवा पाओगी। परंतु शिवानी, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। उस बूढ़ी औरत की साधना पूर्ण होने वाली है, उसकी साधना पूर्ण होने के पूर्व ही तुम्हें वो महाशंख लेकर आना होगा। अपना हाथ आगे करो।
एक लाल धागे में बंधा यंत्र है शिवानी, इसे अपने हाथ में बांध लो। शिवानी ये यात्रा इतनी आसान नहीं होगी, इस यंत्र के नीला होने के पूर्व ही तुम्हें वो महाशंख लेकर आना होगा। यही मात्र एक काट है उस बूढ़ी औरत की शक्ति को काटने का। नागलोक की नागमणि बचा लो शिवानी। नंदिनी, ये तुम भी जानती हो और मैं भी, हमसे दोस्त नहीं इससे ज्यादा है, तो क्यों ना हम। रोहित, मैं तो भूल ही गई थी, मेरे पापा का फोन आने वाला है और वो फोन उठाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। और तुम तो जानते ही हो कि मेरे पापा वक्त के कितने पाबंद हैं, तो मैं चलती हूँ। तुम्हें जितना घुमाना है तुम घुमा लो, लेकिन सच तो यह है तुम बहुत जल्दी मेरी बाहों में होगी, इसी बेड पर होगी, आई प्रॉमिस। ये तो आग की नदी है, इस पे तो पानी की जगह लावा बह रहा है। मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे हर हाल में नदी पार करनी ही होगी। आग, आग को सिर्फ एक चीज काबू में कर सकती है, पानी। अगर मैं इस आग की नदी के ऊपर पानी का पुल बना दूं, तो मैं नदी पार कर सकती हूं। पानी, कुआं, पानी तो मिल गया है, मगर यहाँ पानी निकालने के लिए कोई रस्सी या बाल्टी नहीं है, मैं कुएं में से पानी कैसे निकालूंगी। एक तरकीब है, पानी आपकी नदी तक पहुंच गया है। अब मैं अपने जादू से पानी का पुल बनाकर उस आग की नदी को पार कर सकती हूं। Thank you.
बछुआ अभी तक घर नहीं आया, पता नहीं कहाँ होगा, ये भी पता नहीं कहाँ रह गया, समझ में नहीं आ रहा। ए जी सुनिए, बछुआ अभी तक घर नहीं आया है, आज उसको कितना बुरा लग रहा होगा, कहीं उदासी में जवान लड़का कुछ करना बैठे। अरे पागल हो गई हो क्या तुम, जानती हो ना हमारा राज बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोलकर आपको पता है आपने उसे कितना दूर कर लिया अपने आप से। एक बार उसके दिल में झांके देखें उसे कैसा लगता है। हे भगवान, हमारा दिल तो बैठा जा रहा है, आप कुछ भी करिए, आप राज को इधर लेकर आइए, हम नहीं जानते। तुम अपना ख्याल रखो। हाँ फिर से इतना भयानक तूफान, मेरे पास समय बहुत कम है, मैं रुक नहीं सकती, महाराज की जान को बहुत खतरा है और वो बूढ़ी औरत की भी साधना खत्म होने वाली होगी। हे महादेव मैं क्या करूं, हे महादेव मैं इस गुफा तक तो पहुंच गई, पर इसके अंदर जाने का रास्ता कहां से है? दूर हो जा लड़की, नहीं तो जान से हाथ तो बैठेगी। गुफा, मैं यहाँ पे श्वेत शंख लेने आई हूँ, मैं श्वेत शंख लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी, मुझे अंदर जाने का रास्ता बताइए। नादान लड़की, उस श्वेत शंख को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, उसे पाने के लिए तुझे दिमाग और शक्ति दोनों का इस्तेमाल करना होगा, खतरों से जूझना होगा और पहेलियों जैसे सवालों को सुलझाना होगा, लेकिन गलत जवाब तुझे भस्म भी कर सकता है लड़की,
है मंजूर? मुझे मंजूर है। बताइए आपकी पहली पहेली क्या है? मनुष्य को सफलता से क्या सीखना चाहिए? मनुष्य को सफलता से विनम्रता सीखनी चाहिए। जब आप में है दम, रखो पहला कदम। पूरा श्वेत की चरम सीमा। मेरे पास समय बहुत कम है और मुझे इस पहेली का उत्तर नहीं आता। मैं क्या करूं महादेव? ज्ञान प्राप्ति की चरम सीमा क्या है बता नहीं तो तू यहीं के यहीं भस्म हो जाएगी। दिमाग खराब करके रखा है इंसान पर। लड़की बता जल्दी ज्ञान प्राप्ति की चरम सीमा क्या है? महादेव। प्रणाम गुरुदेव। बहुत अच्छे शिवानी, तुम्हारी साधना में जैसी भक्ति है ऐसी सत्य भक्ति बहुत कम देखने को मिलती है। तुम देखना आदिदेव महादेव तुम्हारी भक्ति से अवश्य प्रसन्न होंगे। सच गुरुदेव, क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ शिवानी, महादेव जिन्हें हम भोलेनाथ कहते हैं वो स्वयं सिद्धेश्वर हैं, महाज्ञान के भंडार हैं। आदिदेव महादेव ने यह ज्ञान बहुत कड़े जप और तप करके प्राप्त किया है और अब जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी साधना करता है
उनकी भक्ति में लीन हो जाता है तो महादेव अवश्य ही उस भक्त को अपनी सिद्धियां वरदान में देते हैं। मुझे पता है ज्ञान का चरम सिद्धि है। मेरा पापी पुतला तैयार है।